हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार लाइन मैन साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही लेटेस्ट मुद्दा जो किसी ने अभी तक नहीं उठाया, ऐसे किसी ने टाइम पास किया है, लेकिन ये एएलएम का बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। ठीक है, ये बात अगर आपको नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। ये वीडियो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया और मैं बना रहा हूँ, ये देख लीजिए। अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, ये SSC की नोटिफिकेशन है भाई। चलिए आइए देखते हैं। तो ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है भाई, आपको सभी को पता है 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के हैं। अब ये तो सभी को पता है, लेकिन अब वो किसको मिलें किसको नहीं मिलें ये देखते हैं। ठीक है, ये भी सभी को पता है कि भाई कैसे क्या है, एक्सपीरियंस के पता, ये तो हो लिया। लेकिन अभी मेन बात ये है कि ये देखो भाई, सारा है इसके अंदर, कौन लगे कौन नहीं लगे। अब 11 नंबर पे देखते हैं। अब भाई मेन बात दोस्तों अदर स्टेट की है। इस पेपर के अंदर, DV के अंदर जो लाइन मैन का हुआ है, ALM का हुआ है, इसके अंदर कम से कम 1500 कैंडिडेट थे भाई। ये बात अदर स्टेट की। अभी उनको कैसे, किसी ने पूछा सिलेक्शन कैसे होगा, तो क्या लट देखिए, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग टू द अदर स्टेट। ध्यान से देखना भाई सभी, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट विल कम्पिटेटेड अगेंस्ट द पोस्ट मेड द जनरल कैटेगरी। भाई जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो किस में फाइट करेंगे, जनरल कैटेगरी में, एंड विल बी कंसिडर एज ए जनरल कैटेगरी। ठीक है, उनको देर इज नो रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर देम, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बात तो ये होगी। अभी मेन बात एक और इसमें यार, ये देखो आप कहाँ गई। ये देखो भाई 17 नंबर पे, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। अभी आप अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, वहाँ ज्वाइन कर लें, वो आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। ठीक है ना, ये देखो कैंडिडेट, सॉरी ये देखिए, कैंडिडेट हैविंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखना भाई, फिर देख लो एक बार, ये बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट हैविंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी BTech, पॉलिटेक्निक, ITI फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विच आर नॉट रिकोगनाइज बाई हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट हरियाणा के इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से रिकोगनाइज नहीं है तो ये विल नॉट बी एलिजिबल, तो वो मान्य नहीं होगा। तो जो भाई यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब से जो ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो उनका भाई ये कह रहा है हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर हरियाणा गवर्नमेंट से नहीं है तो वो आपके एलिजिबल नहीं किए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 17 नंबर पे जो ये नोटिफिकेशन में लाइन है ये कह रही है। ठीक है ना, तो अभी इससे ये लगता कि अभी आपको पता है कि अदर स्टेट का मतलब क्या होता है, कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनके पास डोमिसाइल नहीं है। अगर जिसके पास हरियाणा की, प्यारे बच्चों, डोमिसाइल नहीं है, हरियाणा की डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने 10वीं कर ली या बाहर से या हरियाणा से कर रखी है, डोमिसाइल नहीं है और हरियाणा से, तो वो वैलिड है, लेकिन अगर बाहर से कर रखी तो वो वैलिड नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये अगर आपको बात पूछनी है, इन केस ऑफ एनी गाइड इंफॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग टू ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइज, हेल्पलाइन नंबर है ये देखिए, ऑन ऑल वर्किंग डे 9 AM to 5 AM। तो आप इस नंबर पर कॉल करें भाई, इस नंबर पर कॉल करके अपना समाधान पूछ लें कि भाई हमें लेंगे या नहीं लेंगे, कैसे लेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको बतानी थी मेरे को आपको, तो एक नेक्स्ट वीडियो में आगे ही बात करेंगे। तो ये भाई अगर इस हिसाब से, तो अदर स्टेट कैंडिडेट जो 1015 से, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ये चिंता करने की कोई बात नहीं है प्यारे दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप इस नंबर पे लिख रखा है, और जिसको एक PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से, यहाँ से ज्वाइन करके, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर ये अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी ALM की। तो इसी साथ एक नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, राम राम।